नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी आठ प्रतिवादी के सप्तरी पुलिस पकड़ाव के लग संबंधी प्रसंग से। विभिन्न मुद्दा में फरार आठ प्रतिवादी के सप्तरी पुलिस पकड़ाव के लग है। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी आ जिला अदालत से खटल गेल संयुक्त टोली दू दिन में फरार आठ अभियुक्ति के पकड़ाव कैल गेल। पुलिस भीम प्रसाद ठकाल जानकारी दिलन घरे से पकड़ाव पड़ल ओ सबके जिला अदालत 2057 माघ 13 गत्ते 6 महीना 18 दिन कैद तोकने छल। अहिना सप्तरी के लालापट्टी साथ रहनिहार 65 वर्षक सावित्री देवी खंग के हत्या आरोप में ओही स्थानक 30 वर्षक पंचदेव खंग के सेहो कर्तव्य जान मारक के मुद्दा में फरार रहल ओकरा पुलिस पकड़ाव केने अछि। तहिना बोक्सी मुद्दा आरोप में फरार पांच प्रतिवादी के पुलिस पकड़ने अछि। पकड़ाल में सप्तरी इनरुआ 5 के राजाराम मंडल, रामेश्वर मंडल, दीपक मंडल, दुखी मंडल आ ब्रह्मदेव मंडल रहल। जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि पकड़ाव पड़ल के जिला अदालत में उपस्थित कराकर राजबिराज स्थित कारागार में पठाओल गेल। प्रहरी उपरीक्षक ढकाल जानकारी देलन अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल ऊपर दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में हाल देखल गेल तनावक विषय में निरीपण प्रस्तुत केने आरोप लगौलन अछि। एमाले अध्यक्ष ओली सार्क के अध्यक्षता केने नाता से तनाव कम कराव रेफरी के भूमिका खेल के सट्टा प्रधानमंत्री दहाल दर्शक के रूप में पेश भेल आरोप लगौलन अछि। पार्टी के संपर्क समन्वय कमेटी बृहस्पति दिन पार्टी मुख्यालय में केने कार्यक्रम में ओली भारत लगातक देश पाकिस्तान में तय कैल गेल 19वां शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेब के घोषणा केने बाद सार्क के अस्तित्व नहीं रहल देखल गेल। मुद्दा अ विषय में अध्यक्ष राष्ट्रक नाता से गंभीर भक्कर ठोस पहल नहीं द क नेपाल गलती केने बतौलन अछि। ओ दहाल ऊपर सार्क के अध्यक्ष राष्ट्र के भूमिका बुझ नहीं सकल आरोप लगौलन अछि। यही ढङ्गले तनाव बढ्दै गयो भने सार अस्तित्वहीन हुने अवस्था भन्दैछ। यसप्रति नेपाल गम्भीर हुनुपर्थ्यो, तर नेपाल निरीह भएर यो न अम्पायर हो न खेलाडी हो जस्तो गरेर किनारमा बसेर दर्शकले खेलेर चाहिँ खेल्ने, जबकि सारको सभापति नै त्यसरी पो हेरिरहेका छ उहाँ त। यो त मानिलिउँ कि यो फल बाहिर गयो कि गएन, कसैले लाइन मिच्यो कि मिचेन, फल खेल्यो कि खेलेन, केही पनि एउटा थाहा छैन। नेपाल अखन सार्क के अध्यक्ष राष्ट्र अछि। भारत, बंगलादेश, अफगानिस्तान आ भूटान आगामी नवंबर महीना में पाकिस्तानक इस्लामाबाद में तय कैल गेल सार्क के 19वां शिखर सम्मेलन में सहभागी नहीं होब के घोषणा केने बाद सम्मेलन नहीं होत अवस्था सृजना भेल अछि। पिछला समय जत तत गंदगी देखल गेल नगर बनल अछि जनकपुर धाम। गंदगी व्यवस्थापनक जिम्मा पेने उप महानगर पालिका सक्रिय रूप में काज केने दावी केने बादो दृश्य में ओहन नहीं देखल गेल अछि। दोसर दिस स्थानीय वासी सेहो गंदगी व्यवस्थापन में सचेत नहीं देखल गेल अछि। एक रिपोर्ट। जनकपुर उप महानगर पालिका सड़क आ गलीक दृश्य अछि जत गंदगी गंदगी देखाइत अछि। नगर पालिका रहल जनकपुर के सरकार किस महीना पहिने मात्र बढ़ुआ क उप महानगर पालिका घोषणा केने छल। जनकपुर नगर पालिका से उप महानगर पालिका बनल बादो कागज में मात्र घोषणा कैल गेल देखाइत अछि। जनकपुरक आधारभूत व्यवस्थापन दिस सेहो सरोकार वाला निकाय ध्यान नहीं देने देखल गेल अछि। एक दिस स्थानीय वासी जत तत गंदगी फेंकत अछि त दोसर दिस जमा भेल गंदगी व्यवस्थापनक जिम्मा लेने जनकपुर उप महानगर पालिका सेहो सक्रिय होब नहि सकल। ई दृश्य से प्रश्न रहल अछि।
जताततता दुर्गन्धक कारण जनकपुरवासी मात्र नै बाहरसँ आयल पर्यटक के सेहो समस्या भोग पड़ल अछि। जनकपुर उपमहानगरपालिका के गंदगी पिडारी चौक सँ उत्तर हाईवे साइड में आ बिस्पिटी स्थित दुधमती किनार में विसर्जन होइत आयल अछि। लैंडफिल साइटक स्थायी व्यवस्थापन भेल बादो समस्या देखल गेल उपमहानगरपालिकाक प्रमुख पुण्य प्रसाद लुइटेल बतबैत छथि। जनकपुरको ल्यान्डफिल साइट चाहिँ पहिलेदेखि नै दुधमती किनारमा फाल्ने गरिएको र केही दिनमा त्यो ल्यान्डफिलमा रहेका फोहोरहरू पुर्ने अवस्था रहेको र त्यहाँ अहिले हाल चाहिँ बस्ती विकास भएर त्यहाँ राख्न नहुने र स्थानीय स्तरबाट पनि अवरोध भइरहेको अवस्थामा ल्यान्डफिलको लागि हामीले धेरै ठाउँ कोसिस गर्दाखेरि सफल हुन सकिएन। गन्दगी सङ्कलन कार्यमा प्रत्येक दिन 5-7 ट्र्याक्टर आ ट्रिपर निकलैत अछि, मुदा अपर्याप्त साधनक कारण पूर्ण रूप में गंदगी व्यवस्थापन में कठिनाई भ रहल प्रमुख लुइटल स्वीकार कयलनि अछि। यो दसैँ तिहार छठ लगायतका राष्ट्रिय महत्व राख्ने चाडबाडको बेलामा अलिक बढी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसका लागि हामीले सरसफाई शाखामा मिटिङ बसेर कुन दिन कसरी सरसफाइका कर्मचारीहरू र सरसफाइका इक्विपमेन्टहरू स्काइभेटरहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको एउटा हामीले स्ट्राटेजिक प्लानै बनाउँछौँ। त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरा मैले उपमहानगरपालिका प्रत्येक दिन नियमित रूपमे गन्दगी उठाबैत आयल दाबी केने बादो स्थानीयवासी हप्ता आ महिना दिन धरिमे सेहो गन्दगी उठाब नै आयल आरोप लगबैत अछि। नगरपालिकाके सबसे बड़का दोषी मानै नगरपालिका एको काज नै कर रहल अछि। ई जे जतेक समस्या भेल होइतो गन्दगी व्यवस्थापनमे पहिल भूमिका स्थानीयवासी के रहैत अछि, मुदा गंदगी व्यवस्थापन संबंधी जनचेतना नहीं भेल कारणे एक दोसर सब घर आगू गंदगी विसर्जन करबाक चलन रहल अछि। सी अहाँ के ये समाज के जो लोग छै उनका बुझलिए अपन अपन घर के फोहर अपना अपना घर के आगू में नहीं रह के दोसर के घर के आगू में दोसर के फसल के आगू में जेना एकदम बजरंगी है मरवाड़ी है भूषण महेंद्र सब ये टोटल के घर के आगू में रख रह दी। त्या जनकपुर के सफा सुंदर दुर्गंध रहित बनाबा सरकारी निकायक संगे स्थानीयवासी सेहो जागरूक आ जिम्मेवार होबा आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में हरिशंकर शर्माक साथ नवीन यादव की रिपोर्ट। टेंट वेबसाइट संघ धनुषा जनकपुर में भेंट घाट तथा चाहपान कार्यक्रम केलक अछि। संघ धनुषाक अध्यक्ष बुद्धनाथ शर्माक अध्यक्षता में जनकपुरक कलवार कुट्टी में आयोजित भेंटघाट तथा चाहपान कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि धनसाक सहायक प्रमुख जिला अधिकारी राजेश गिरी टेंट व्यवसायी सब बेटी के विवाह सँ श्राद्ध के काज में सहयोगी के भूमिका निर्वाह करैत आयल कारण यथार्थ समाज सेवी ओ सब रहल बतौलन अछि। जेट स्क्वायर सामान बेच्ने तलमाथि गरेर चाहिँ सामान उत्राउने मोनोपोली गर्ने काटेटिङ गर्ने यी सब कुराहरूको रेखदेख र नियन्त्रण चाहिँ जिल्ला प्रशासनलाई नेपाल सरकारले अधिकार दिएको छ। एम्हर संघ धनुषाक अध्यक्ष शर्मा काज कराकर ग्राहक सब परिश्रामिक दिन नै मान्ने आ उल्टा धाक धमकी देवके समस्या रहल आ टेंट व्यवसायी सब सेहो मन पर्दी गलत काज करैत आयल आरोप आयलसँ ओहि के व्यवस्थित बनाब आ पेशा के सुरक्षित बनाब संघ स्थापना केने बतौलन अछि। हमरा सबमे कुछ जे है से मतलब ग्राहकी वर्ग भी जे है से हैरान करै छलै आ हमरा सबके अपनो में कुछ टेंडो वाला सब जे है से अनियमित काम करै जेना उदाहरण के लागि साउंड कते पर हमरा सीमित में बजाबे चाही ज्यादा बजबैय जे 82 वार्ड के लऽ लेलक कर नहीं लग रहा है हमरा सब कारो के आमदनी नहीं भ रहा है अ के चलते हम सब ई खोल लिए जे हमरा सब के कुछ धार्मिको काम में जे है से सहयोग हम सब करेबे आ हम सब सीमित जे है से काम क के और गहकी सब के दिल खुश क के जे है से काम करबे सीमित मात्रा में बजा भी बजेबे और टेंट भी जे है से हम सब व्यवसाय में छी और टेंट व्यवसाय के हमरा सब के कोनो प्रकार के कतौ से आँच नहीं अयतै और हम सब जनता के जहाँ तक जैसे होते
है ना मठ मंदिर हम सब सहयोग के रूप में काम हम सब करी छी करवल आज रहल छी अभियो हम सब कर पर त्याग छी और जे है से ई साउंड सिस्टम से भी जे शारीरिक संबंध में शारीरिक में भी जे है से असर जे पार वाला ध्वनि है तकरा कंट्रोल करे हम सब यथाभावी भी बजानी बजा देवे और एक सीमित में आन कर हम सब चलावा जा रहा है। ओ संपूर्ण टेंट व्यवसायी सब के अ संग में आबद्ध होबस से हो आग्रह केलेने अछि। कार्यक्रम में बिक्रू महतो, विजय शाह, शंकर शाह, सुरेंद्र दास, विनोद महतो, राजेश शर्मा, चंद्रभूषण चौधरी सहितक वक्ता सब अपन अपन मंतव्य रखने छलथि। कोठा में राखि चरस बिक्री करैत आयल अवस्था में पुलिस एक महिला के पकड़लक अछि। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटक टोली थानकोटक त्रिभुवन पार्क नजदीक से 3 किलो चरस सहित मकवानपुरक बीना लामा के पकड़लक अछि। कोठा में चरसक गोली गोली बनाकर बिक्री करैत आयल आरोप में लामा के पकड़ाव कैल गेल। थानकोट वृत्तक डीएसपी कृष्ण पंगेनी जानकारी देलन अछि। लामा के चरस लाइव कर देबयवला दोसर एक युवक फरार अछि। बिक्री कर तैयार केने चरस भरल गेल करीब 100 ग्रामक 21 टा गोली, 500 ग्रामक 3 टा पोका पुलिस बरामद केने अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राज्य न्यूजर्सी के शहर होबोकेन में रेल दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 108 गोटे घायल भेल अछि। घायल मध्य बहुते के अवस्था गंभीर रहल अछि। अमेरिकी संचार माध्यम सभक अनुसार एक यात्री ट्रेन रेलवे स्टेशन में पैसल संगे दुर्घटना भेल अछि। तहिना रेलवे स्टेशन में बहुते क्षति पहुँचल देखल गेल अछि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर, देखते रहब अपन टीवी। नमस्कार।